हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? और मैं हूँ जरगर यासिर। आज के इस क्लास में हम क्लास 12th केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 5 एज़ पर द रिवाइज्ड जैके बोस सिलेबस से जो है वो पढ़ेंगे, जिसका नाम है जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसे हम एक शॉर्ट नेम देते हैं, जिसको हम मेटलर्जी भी कहेंगे। ठीक है, तो ये मेटलर्जी को आज हम पढ़ेंगे आज से, ठीक है, डिटेल में। लेकिन आज का जो है हमारा वो फर्स्ट लेक्चर रहेगा, इस पे इंट्रोडक्टरी लेक्चर। इसमें हम सबसे पहले जो है ऑकरेंस ऑफ एलिमेंट्स को देखेंगे। ठीक है, ऑकरेंस ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो देखिए ऑकरेंस ऑफ एलिमेंट्स जो है, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी एलिमेंट, ठीक है, अगर है तो वो क्या फ्री स्टेट में प्रेजेंट है, यानी अकेले प्रेजेंट है, उसके साथ में कोई भी दूसरी चीज़ें जो है, यानी सब्सटेंसेस जो है वो मिली हुई ना है, ऐसा कुछ भी नहीं अगर है, खुद ही वो अकेले है, उसे हम फ्री स्टेट कहते हैं। या मान लीजिए कि ऐसा भी होता है कि एलिमेंट्स जो हैं कुछ वो अर्थ क्रस्ट के अंदर होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, लेकिन अकेले नहीं, उनके साथ में बहुत सारी चीज़ें जो है उनकी मिलावट होती है, वो मिली हुई होती है उनके साथ, इसलिए हम ऐसे एलिमेंट्स जो इस शक्ल में बहुत सारी चीज़ों के साथ मिले हुए हों, उनको हम कंबाइन, उस स्टेट ऑफ ऑकरेंस ऑफ एलिमेंट को हम कंबाइंड स्टेट कहते हैं। तो ऑकरेंस ऑफ एलिमेंट्स आपने याद रखना है कि एक जो है वो फ्री स्टेट होता है, ठीक है, फ्री स्टेट में भी एलिमेंट जो है वो ऑकर करता है, ठीक है, प्रेजेंट होता है फ्री स्टेट में भी, और दूसरा जो है वो कंबाइंड स्टेट में, ठीक है, कंबाइंड स्टेट में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम देखेंगे कि जितने भी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टू कीप ऑलवेज इन योर माइंड वेन एवर यू आर स्टडिंग द जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज मेटलर्जी। व्हाट यू हैव कीप इन योर माइंड दैट एवरी ऑल मटेरियल्स ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स, ओके, एंड वी नो दैट About 120 elements are known so far, out of which nearly 92 occur in nature, while the rest are man-made. Okay, देखिए क्या होता है कि अगर हम देखेंगे कोई भी material objects जो हैं वो बने ही हुए हैं elements के, और अगर हम देखेंगे elements की, ठीक है, total elements का occurrence अगर हम देखेंगे, ठीक है, so far as the recent researches are also concerned, ठीक है, कि 120 elements जो है वो noun है और उनमें से 92 जो है वो naturally occur करते हैं, ठीक है, they are naturally present, no one has made them, they are naturally, मतलब इंसान के बस की ये बात नहीं है, वो naturally present है, ठीक है, so बाकी जो बचे हैं 92 के अलावा वो man-made है, ठीक है, उन्हें हम मैन मेड एलिमेंट्स जो है वो भी कह सकते हैं। तो अब जो बात है, ठीक है, ये एलिमेंट्स मेटल्स में डिवाइड होते हैं, नॉन मेटल्स में डिवाइड होते हैं, मेटलाइड्स में डिवाइड होते हैं, इस बात को भी हम अर्लियर क्लासेस से जो है वो अच्छे से जानते हैं। अब याद रखने वाली बात जो है कि जो मैंने पहले ही आपको कहा कि ऑकरेंस ऑफ एलिमेंट हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा, इसमें जो ये फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट की मैंने आपको बात की कि देखिए फ्री स्टेट में एलिमेंट्स, कुछ फ्यू एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं कि नोबल गैस एलिमेंट, ठीक है, फ्री स्टेट में आपका कौन रहेगा, नोबल गैस, ठीक है, नोबल गैस एलिमेंट्स, ठीक है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन वगैरह हो गया, ठीक है, या फिर जैसे नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, ये आपको याद रखना है, या फिर मान लीजिए कि जैसे मेटल्स लाइक गोल्ड हो गया, ओके, जैसे गोल्ड मेटल हो गया, या प्लैटिनम मेटल हो गया, ठीक है, प्लैटिनम
मेटल हो गया। ये जो मैंने एलिमेंट्स गिने ये अकर करते हैं फ्री स्टेट में, ठीक है। जो भी मैंने ये एलिमेंट्स की बात कही, ये एलिमेंट्स जो है ये फ्री स्टेट में, यानी इनके साथ में कोई भी दूसरा सब्सटेंस जो है वो मिला हुआ नहीं होता है। हाउएवर अब मैं दूसरी कंबाइंड स्टेट वाली बात आपको बताऊं कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स अकर इन द अर्थ क्रस्ट इन द कंबाइंड स्टेट्स। तो कंबाइंड स्टेट में जो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स अर्थ क्रस्ट में होते हैं, वो कंबाइंड स्टेट हम अगर देखेंगे तो नॉर्मली आप बताएंगे कि देखिए कुछ मोस्टली जो एलिमेंट्स हैं वो ऑक्साइड्स की शक्ल में होंगे, ऑक्साइड्स यानी ऑक्सीजन के साथ में मिले हुए होंगे अर्थ क्रस्ट में, ठीक है, या कार्बोनेट्स वाले कंपाउंड्स वो बनाएंगे, ठीक है, ये भी हम देखेंगे। वो मेटल पे डिपेंड करेगा, एलिमेंट पे डिपेंड करेगा कि कौन सा एलिमेंट है, ठीक है। कार्बोनेटिंग ग्रुप के साथ में तो हम उसी तरह से उस क्लास को कार्बोनेट्स बोलेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, या कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह, वो डिपेंड करेगा एलिमेंट पे, उसकी नेचर पे कि कौन सा एलिमेंट है। लेकिन जनरल जो क्लास ऑफ कंबाइंड स्टेट हमारे पास बनेगी वो कार्बोनेट होगी, ठीक है, कार्बोनेट्स। तो या फिर इसी तरह से आप बोल सकते हैं कि सिलिकेट्स, ठीक है, एक कंबाइंड स्टेट हमारे पास जो नेक्स्ट है वो सिलिकेट्स, ठीक है, जिसमें सिलिकॉन से रिलेटेड जो है ये कंपाउंड्स बनेंगे, उनको हम सिलिकेट्स वगैरह बताएंगे, ये भी आपने याद रखना है। या फिर सल्फाइड्स, ठीक है, कि सल्फर के साथ में मिलके, ठीक है, वो एलिमेंट जो है वो कंबाइन हुआ होगा, ठीक है, सल्फाइड्स। या फिर आप बोल सकते हैं, ठीक है, सल्फाइड्स, या फिर सल्फेट्स, ठीक है, आप सल्फेट्स भी बोल सकते हैं इसी तरह से, ठीक है। तो अब जो इंट्रोडक्टरी पार्ट हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स में, इसमें आपने दो इम्पॉर्टेंट जो टर्म्स हैं वो याद रखनी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ये, जिसे मैं मिनरल और कहूँ कि देखिए कि हमें आना चाहिए कि मिनरल क्या होता है और जो है ये क्या होता है, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि ये मिनरल और जो है ये क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। देखिए अगर हम मिनरल की डेफिनेशन देखेंगे तो आपने याद रखना है मिनरल्स मीन्स द यू कैन से मिनरल्स आर द कंपाउंड्स विच आर फाउंड इन द अर्थ्स क्रस्ट, ओके, एंड विच कंटेन वन आर मोर मेटल्स। आप ऐसे भी कह सकते हैं अर्थ्स क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं एक या एक से ज़्यादा मेटल्स जो हैं वो उनमें प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, मिनरल कहेंगे, ठीक है। लेकिन दूसरी जो डेफिनेशन मैं बताऊंगा, ठीक है, वो आप याद रख लीजिएगा, वो बड़ी अच्छी डेफिनेशन है। मिनरल मीन्स द कंबाइंड स्टेट, ठीक है, मिनरल को हम क्या बताएंगे, कंबाइंड स्टेट, आर इट इज डिफाइंड एज द कंबाइंड स्टेट इन विच अ मेटल अकर्स, इन विच अ एलिमेंट बट स्पेशली मेटल अकर्स। अब यहाँ पे आप कैसे बताएंगे इसको मिनरल अकर्स, नेचुरली, यस, ये मेटल अकर तो करेगा यहाँ पर, लेकिन नेचुरली अकर करेगा। तो इस मेटालिक एलिमेंट के अर्थस क्रस्ट में कंबाइंड स्टेट में नेचुरली अकर होने को ही, या नेचुरल स्टेट में जो ये प्रेजेंट है इस समय, इसको हम इस टर्म मिनरल के नाम से जानेंगे। तो इस समय हम इसको क्या बताएंगे, मिनरल बताएंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज हम क्या बताएंगे, वो बताएंगे और, कि और क्या होता है। देखिए और जो है, मैं बताऊं आपको पहले इसकी डेफिनेशन, ठीक है, और मींस मिनरल्स, हम इसकी डेफिनेशन बताएं। तो मिनरल्स, आप बताएंगे सर और को भी आप मिनरल बोल रहे हैं, देखिए मैं अभी बताऊंगा, पहले आप डेफिनेशन जो है वो सुन लीजिए। और मीन्स मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड, फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड conveniently and
profitably, profit ably, okay। मैंने क्या बताया आपको कि देखिए और को भी हम क्या कहते हैं, मिनरल कहते हैं, लेकिन जिससे हम क्या कर सकें, मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सके, मेटल को आइसोलेट कर सके, ठीक है, कि मिनरल है तो हमने जो भी प्रोसेसिंग की, जो भी हमने जनरल प्रिंसिपल्स यूज किए, तो हम वहां से क्या कर सकेंगे, उस मेटल को आइसोलेट कर सकें, उस मेटल को हम क्या कर सकें, एक्सट्रैक्ट कर दें, अलग कर दें, ठीक है, उन इम्प्योरिटीज वगैरह से जो उसके साथ में मिली हुई होंगी। तो फिर ऐसे मिनरल को हम क्या कहते हैं, और कहते हैं, जिस समय हम उस मेटालिक एलिमेंट को जो है वो क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, अलग कर देते हैं, आइसोलेट कर देते हैं उन मिली हुई इम्प्योरिटीज से, ठीक है। अब दूसरी चीज आप याद रख लीजिए कि देखिए, हाँ याद रखना है, ऑल ओर्स आर, दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल ओर्स आर minerals, all ores are minerals, but all minerals are not ores, ठीक है। देखिए हम सारे ores को क्या कह सकते हैं, minerals कह सकते हैं, लेकिन सारे mineral जो है वो ore नहीं हो सकते, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म्स थी जो आपको याद रखनी है इस चैप्टर के बिगनिंग में। अब हम टाइप्स ऑफ ओर्स, या आप ऐसे बता दीजिए कि कंबाइंड स्टेट की बात करेंगे, ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स की, तो उन्हें हम ले लेते हैं आज के इस लेक्चर में, ठीक है। तो आप तीन कॉलम्स बनाएंगे, ठीक है, एक कॉलम में आप लिखेंगे कंबाइंड स्टेट, ठीक है, मैं लिखूंगा यहाँ पे सी स्टेट, दूसरा आप लिखेंगे एलिमेंट कौन सा यूज करेंगे, और जो तीसरे कॉलम में आप लिखेंगे वो आप बताएंगे नेम ऑफ द मिनरल, क्या लिखेंगे आप, नेम ऑफ द मिनरल। तो ये तीन जो कॉलम्स की हेडिंग रहेगी हमारी कुछ इस तरह से रहेगी, नेम ऑफ द मिनरल्स। आइए अब इनको थोड़ा इरेज करके, और आपने इसको नोट किया होगा, ठीक है, देखते हैं। देखिए सबसे पहले जो हमारा कंबाइंड स्टेट होगा, एज एन एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि लेट दिस कंबाइंड स्टेट इज ऑक्साइड्स, ठीक है। अगर ये ऑक्साइड्स है तो एलिमेंट्स इन्वॉल्वमेंट जो हम देखेंगे इसके अंदर, मान लीजिए वो एलिमेंट्स जो हैं उस कॉलम में आप लिखेंगे, जैसे आयरन हो गया, ठीक है, जैसे एल्युमिनियम हो गया, जैसे मैग्नीज हो गया, ठीक है। ये तीन एलिमेंट्स की अगर हम इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर लेते हैं ऑक्साइड्स वाले कंबाइंड स्टेट में, ठीक है, तो अब आपने देखना है कि मिनरल क्या बनेगा, ठीक है, इन एलिमेंट्स का जो मिनरलिक नाम होगा वो क्या होगा। तो हम लेते हैं जैसे आयरन की अगर हम बात करेंगे, तो आयरन के लिए आप याद रखिए कि हम इसको हेमेटाइट कहते हैं, हेमेटाइट, ठीक है, एंड चीफ ओर ऑफ आयरन इज हेमेटाइट, ये भी आपको याद रखना है, जिसका जो फॉर्मूला है Fe2O3 हुआ करता है, ठीक है। उसके बाद आप बताएंगे मैग्नेटाइट, ठीक है, मैग्नेटाइट, आयरन की मैं अभी बात कर रहा हूँ, उसके मिनरल्स का नाम दे रहा हूँ, आयरन का आप मैग्नेटाइट कह सकते हैं, ठीक है, मैग्नेटाइट, इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो आप बोलेंगे Fe2O3 इंटू साथ में क्या रहेगा इसका, FeO, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपने देखना है कि जो प्रीशियस एलिमेंट यानी मेटल है वो आयरन है, तो देखिए आयरन को अलग करना है, लेकिन यहाँ पर इसके साथ में मिला हुआ ऑक्सीजन भी है, तो हम यहाँ कह सकते हैं इजिली कि ऑक्सीजन जो यहाँ पर आयरन के साथ में इस तरह से प्रेजेंट है वो एक इम्प्योरिटी की तरह है, ठीक है नहीं। तो हमें ऑक्सीजन को अलग करना है और आयरन, हमें आयरन को जो है अलग करना है
इन इम्प्योरिटीज यानी ऑक्सीजन से। तो क्या क्या मेथोडोलॉजी, क्या क्या प्रिंसिपल्स हम यूज़ करेंगे, इसी चीज़ को तो हम पढ़ने जा रहे हैं आज, ठीक है। तो पहले मैं आप जो है इन बहुत सारे मिनरल्स से जो है वो वाकिफ करा रहा हूँ इस चैप्टर में। इसके बाद हम बताएंगे इसी तरह से अब एल्युमिनियम का, ठीक है। एल्युमिनियम को लेंगे हम, तो एल्युमिनियम का आप याद रख लीजिए ऑक्साइड जो होगा G4 ऑफ एल्युमिनियम, जिसे आप बताएंगे तो बॉक्साइट हुआ करता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम जो है वो बॉक्साइट से निकलता है, ठीक है, बॉक्साइट वाले ओर से। तो बॉक्साइट मिनरल नाम याद रखेंगे आप एल्युमिनियम का, जिसका जो फॉर्मूला हुआ करता है कुछ इस तरह से Al2O3 × 2 × H2O, ठीक है, 2 × H2O। इसी तरह से आप याद रखेंगे मैगनीज का, ठीक है। मैगनीज में आप देखेंगे तो पायरुलिसाइट पायरुलिसाइट इसका नाम होगा मिनरलिक नेम मैगनीज का। और जो इसका फॉर्मूला होगा वो कुछ इस तरह से होगा, जिसे हम मैगनीज डाइऑक्साइड वगैरह भी कहते हैं, ठीक है, MnO2। लेकिन याद रहे कि MnO2 का जो मिनरलिक नेम है वो पायरुलिसाइट है। इसी तरह से हम, ये तो मैंने कुछ ऑक्साइड्स वाली कंबाइंड स्टेट में बताए, इसी तरह से आप कार्बोनेट्स में जा सकते हैं, ठीक है। कार्बोनेट्स वाली कंबाइंड स्टेट में आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एलिमेंट का जो मैंने सेकंड कॉलम आपको बताया उसमें आप एलिमेंट कैल्शियम ले सकते हैं, मैग्नीशियम ले सकते हैं, कॉपर ले सकते हैं और जिंक ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एज एन एग्जाम्पल आपको बताया, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की, ये मेटलर्जी, ठीक है। तो अगर अब हम देखेंगे इनका मिनरल नेम ऑफ द मिनरल यानी मिनरलिक नेम अगर इन एलिमेंट्स का हम देखेंगे, तो वो आप याद रख लिए कि पहले कैल्शियम है, तो कैल्शियम का आप याद रखिए कि कैल्साइट, ठीक है, कैल्साइट इसका मिनरलिक नेम है। और जो इसका फॉर्मूला है वो, जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कहते हैं। इसी तरह से मैग्नीशियम की बात करेंगे तो मैग्नीशियम में डोलोमाइट, ठीक है, डोलोमाइट, डोलोमाइट इसका मिनरलिक नेम होगा। और उसका जो फॉर्मूला होगा वो CaCO3 कहीं ना कहीं इस तरह से। और साथ में इसका, चूंकि मैग्नीशियम से रिलेटेड है ये, तो साथ में इसका मैग्नीशियम होगा, ठीक है, MgCO3, ठीक है। तो इसको हम डोलोमाइट कहेंगे मिनरलिक नेम। नेक्स्ट जो है आपका वो कॉपर होगा, और कॉपर का जो है आपका मेलाचाइट, मेलाकाइट आर्चाइट यू कैन प्रोनाउंस इट, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला रहेगा CuCO3 × CuOH2, ओके, दिस विल बी योर मेलाचाइट मिनरलिक नेम ऑफ कॉपर मेटल। नेक्स्ट एंड लास्ट वन ऑफ दिस क्लास, दैट मीन्स ऑफ कार्बोनेट्स, इज जिंक। और जिंक के बारे में आप याद रखेंगे तो कैलामाइट, कैलामाइट, ओके, इज द मिनरलिक नेम ऑफ दिस जिंक, हूज फॉर्मूला विल बी ZnCO3, जिंक कार्बोनेट, ओके। नेक्स्ट कंबाइंड स्टेट इफ यू विल टेक इज सिलिकेट्स में जो एलिमेंट्स हम लेंगे, जैसे मैग्नीशियम, जैसे सिलिकॉन, ठीक है, जैसे एल्युमिनियम, जैसे सिलिकॉन, ठीक है, वगैरह। तो इसमें जो हम मिनरलिक नेम देखेंगे इन एलिमेंट्स का, वो कुछ इस तरह से होगा, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट नहीं सॉरी सिलिकेट, कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट। इसका कुछ फॉर्मूला जो बनेगा हमारे पास वो होगा CaSiO3 × MgSiO3। याद रहे इसको हम एस्बेस्टस कहते हैं, ठीक है, इसको हम एस्बेस्टस के नाम से जो है वो जानते हैं, ठीक है। इसका जो
मिनरल एक नाम एस्बेस्टस होता है, ठीक। उसके बाद लेकिन याद रहे ये जो एस्बेस्टस है या जिसे हम कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट बता रहे हैं, ठीक है, इसमें जो एलिमेंट्स मेटालिक एलिमेंट्स इन्वॉल्व होंगे वो आपका मैग्नीशियम, ठीक है, वो आपका मैग्नीशियम और सिलिकॉन का होगा, ठीक है। ये दो एलिमेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं यहाँ पे इस मिनरल में, ठीक है। इसके बाद देखें तो अगर मान लीजिए एल्युमिनियम और, ठीक है, एल्युमिनियम और सिलिकॉन अगर इनके रिलेटेड आपने मिनरल देखना है, ठीक है, तो ये चाइना क्ले, ठीक है, आपने सुना होगा, अगर नहीं तो याद रख लीजिए आज चाइना क्ले, ठीक है। ये चाइना क्ले क्या होता है, L2O3 जो इसका फॉर्मूला होता है इनटू इसके साथ में SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी होता है, ठीक है, जिसको हम सिलिका के नाम से भी जानते हैं, इनटू टू टाइम्स ये हाइड्रेटेड जो है, हाइड्रेटेड होता है बट टू टाइम्स होता है, ठीक है, टू वाटर मॉलिक्यूल्स भी इसके साथ में जो है वो जुड़े होते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, चाइना क्ले मिनरल के नाम आप दिस एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन एलिमेंट। उसके बाद अगर आप और कुछ एग्जांपल्स लेना चाहेंगे तो जैसे मान लीजिए सल्फाइड्स, ठीक है, सल्फाइड्स आपकी नेक्स्ट कंबाइंड स्टेट की क्लास होगी, जिसमें आप जैसे मान लीजिए पोटेशियम ले लिया आपने एलिमेंट, आपने एल्युमिनियम ले लिया, सिलिकॉन ले लिया, तो इन एग्जांपल्स की हम जो मिनरल लेंगे वो माइका शीट्स, ठीक है, क्या क्या बताएंगे आप इन तीन का, माइका शीट्स, ठीक है, ये इनका एक मिनरल एक नेम होगा माइका शीट्स। देखिए प्रीवियस क्लास में जो है वो आपने सिलिकेट्स के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो माइका ग्रुप जो है शीट सिलिकेट्स का, ठीक है, ये भी एक क्लास है, ठीक है, माइका शीट्स जो है ये क्लास या ग्रुप आप कहेंगे कि है, लेकिन किनका, शीट सिलिकेट्स, ठीक है, बहुत सारे सिलिकेट्स के टाइप्स आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ी हुई है, चैन सिलिकेट्स, शीट सिलिकेट्स हैं, पायरो सिलिकेट्स वगैरह वगैरह, तो जो है उनमें ये माइका शीट्स जो हैं वो शीट सिलिकेट से बिलोंग करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जो हमारी नेक्स्ट एग्जांपल रहेगी सल्फाइड्स में, ठीक है, ओके, सल्फाइड्स में हमारे पास पोटेशियम जैसे हो गया, सॉरी पोटेशियम नहीं, अब हम आयरन को ले लेंगे, लेकिन हमारी जो सल्फाइड्स जो है वो कंबाइंड स्टेट क्लास हमारी है, तो आयरन हमारा एलिमेंट इन्वॉल्वड होगा और इसमें हम आयरन पाइराइट कहेंगे मिनरल नेम, ठीक है, आयरन पाइराइट, यानी आयरन जब सल्फर के साथ में मिला हुआ होगा, ठीक है, उन्हें हम सल्फाइड जनरली कहेंगे, लेकिन एलिमेंट आयरन है तो हम उसको आयरन पाइराइट करके मिनरल का नाम याद रखेंगे, ठीक है, जिसका जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से होगा FeS2, ठीक है। इसी तरह से हम बोलेंगे अगर सल्फाइड्स कंबाइंड स्टेट ही हमने ली हुई है तो नेक्स्ट जो एलिमेंट इन्वॉल्व होंगे जैसे कॉपर है और आयरन, ठीक है, अब दो एलिमेंट्स के नाम पे हम देखेंगे, तो इसको हम बोलेंगे, देखिए आयरन को अभी बोला था आयरन पाइराइट, अब कॉपर भी है तो हम दोनों को मिला के इस तरह से बताएंगे इनका नाम, क्या बोलेंगे, आयरन कॉपर पाइराइट्स, और इसका जो फॉर्मूला रहेगा CuS into FeS, ठीक है, इनका फॉर्मूला होगा इस मिनरल का आयरन कॉपर पाइराइट्स का। नेक्स्ट जो होगा हमारे पास, मानिए अगर सिर्फ कॉपर है, ठीक है, एलिमेंट इन्वॉल्वड, तो तब आप नॉर्मली यानी सिंपली क्या कहेंगे, कॉपर पाइराइट मिनरल का नाम, कॉपर पाइराइट्स, और इसका जो फॉर्मूला होगा Cu और S2, ठीक है। तो इसके बाद मान लीजिए आपका एलिमेंट इन्वॉल्वड जो है वो मरकरी है, Hg, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो इसका जो है मिनरलिक नेम हम सिनाबार कहते हैं, ठीक है, सिनाबार,
और इसका जो फॉर्मूला रहता है HgS, ये रहता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे तो जिंक, ठीक है, जिंक का अगर हम देखेंगे, मेटल जिंक का, वो जिंक सल्फाइड, ठीक है, इसका नॉर्मली जिंक सल्फाइड ही हम बताएंगे, मिनरलिक नेम जिंक सल्फाइड, ठीक है, ये, और इसका जो फॉर्मूला होगा ZnS होगा। उसके बाद अगर आप लेड का बताएंगे इसी तरह से, बेबी लेड का, तो इसी इसका भी आप इसी तरह से बताएंगे, लेड सल्फाइड, ठीक है, और जो इसका फॉर्मूला बताएंगे आप PbS। तो कुछ और एग्जांपल्स हम लेते हैं लास्टली, ठीक है, जैसे मान लीजिए हैलाइड्स हो गए, ठीक है, हैलाइड्स, तो हैलाइड्स की अगर हम बात करेंगे, जैसे सोडियम हो गया, ठीक है, अगर हम एलिमेंट मेटालिक सोडियम की बात करेंगे, तो ये हैलाइड मीन्स हैलोजन्स के साथ में मिलकर क्या बनाएगा, जो ग्रुप 17 एलिमेंट्स हमारे, जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, या आयोडीन हो गया वगैरह, ठीक है, इनके साथ, तो आप वाकिफ होंगे कॉमन सॉल्ट से, जिसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। तो इसका जो नाम होगा मिनरलिक, वो हम क्या याद रखेंगे, कॉमन सॉल्ट भी हम इसको जनरली बोलेंगे, ठीक है, या रॉक सॉल्ट बोलेंगे, ठीक है, रॉक सॉल्ट भी हम इसको बोलेंगे, और इसका जो फॉर्मूला होगा Na और Cl होगा, ठीक है, यस। उसके बाद अगर आप एल्युमिनियम लेंगे, ठीक है, मान लीजिए हैलाइड्स है कंबाइंड स्टेट और एल्युमिनियम हमारा मेटालिक एलिमेंट है, तो जो नेम ऑफ द मिनरल होगा वो क्रायोलाइट, क्या बनेगा हमारा, क्रायोलाइट, और क्रायोलाइट में हम एग्जांपल के तौर पर Na3AlF6, ये इसका फॉर्मूला याद रखेंगे क्रायोलाइट का, ठीक है। तो देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने यहाँ पर ये देखनी है कि अगर हम क्रायोलाइट में, ठीक है, ये एल्युमिनियम की ये मिनरल है, अगर हम एल्युमिनियम को यहाँ से अलग करना चाहेंगे, तो देखिए यहाँ मेटालिक एलिमेंट सोडियम भी है, लेकिन आप एल्युमिनियम को अलग करना चाह रहे हैं, तो सोडियम और जो ये हैलोजन फ्लोरीन है आपका, ये इस समय क्या होंगी, इम्प्योरिटीज होंगी, ठीक है, तो एल्युमिनियम आपका यहाँ पे जो है वो मैन एलिमेंट रहेगा, जिसको आप एक्सट्रैक्ट करेंगे इस क्रायोलाइट से। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट एग्जांपल है, मान लीजिए वो पोटेशियम है और मैग्नीशियम है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कैर्नलाइट, मिनरलिक नेम कैर्नलाइट। कैर्नलाइट में हम जो फॉर्मूला देखेंगे, KCl इंटू MgCl2 इंटू 6 times H2O, इसी तरह से आप हैलाइड्स का लास्ट एग्जांपल देखेंगे, जैसे कैल्शियम का अगर हम देखेंगे, फ्लोराइट, फ्लोराइट, ठीक है, तो फ्लोराइट ये मिनरलिक नेम मैं बता रहा हूँ, और इसका जो फॉर्मूला रहेगा हमारा CaF2। देखिए लास्ट जो मैंने आज की इस लेक्चर में कंबाइंड स्टेट लिए हुए है समझ जाने के लिए, वो है सल्फेट्स, ठीक है, तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं सल्फेट्स, ठीक है, कंबाइंड स्टेट को, जैसे बैरियम हम एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, तो इसका जो मिनरलिक नेम बनेगा, ठीक है, ये सल्फेट्स वाला कंपाउंड भी एलिमेंट का सल्फर के साथ में उसकी मतलब कॉम्बिनेशन होगी, ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर इसको बेराइट्स, पहले इसका जो मिनरलिक नेम है वो बोलेंगे कुछ इस तरह से बेराइट्स, ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होगा BaSO4, जिसको हम बैरियम सल्फेट भी कहते हैं, ठीक है, लेकिन बेराइट्स जो है ये इसका क्या है, मिनरलिक नेम है। इसके बाद हम नेक्स्ट एलिमेंट जो है इस क्लास का, यानी सल्फेट्स का, जैसे लेड ले रहे हैं तो इसको एंगलसाइट कहेंगे, एंगलसाइट, ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, PbSO4, लेकिन ये जिसको हम लेड सल्फेट कहते हैं एक्चुअली, लेकिन ये एंगलसाइट जो है ये इसका मिनरलिक नेम है। इसके बाद जो हमारा कैल्शियम होगा इस क्लास का, इसमें हम जिप्सम,
क्या बोलेंगे हम, जिप्सम बोलेंगे हम, मिनरलिक नाम कैल्शियम एलिमेंट का सल्फेट्स में, और इसका जो फॉर्मूला होगा वो कुछ इस तरह से CaSO4 into 2 times H2। ठीक है, 2 times H2। देखिए यहाँ पे मैं आपको फाइनली एक इम्पॉर्टेंट बात कहूँगा कि जिप्सम जो हमारा होता है ये कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है, लेकिन यहाँ से हम प्लास्टर ऑफ पैरिस POP, ठीक है, उसको भी जो है वो ऑब्टेन करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, लेकिन प्लास्टर ऑफ पैरिस जो है POP जिसको हम कहते हैं, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो भी कैल्शियम सल्फेट ही होता है, लेकिन फ़र्क ये होता है कि POP जो है वो CaSO4 इंटू, अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में यहाँ पे फ़र्क रहता है, जिप्सम में डाइहाइड्रेट होता है और कैल्शियम सल्फेट जो है वो हेमीहाइड्रेट होता है, हाफ ऑफ H2O इसके साथ होता है, ठीक है, तो इसको हम POP भी कहते हैं, जो हम डेकोरेशन पर्पजेस के लिए भी जो है वो आम तौर पर अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों आज के इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर 1 में हम इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन फाइनली मैं आपको बताऊं कि अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप फटाफट से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही।